तो यहाँ पे अंकल जी का ये बगीचा है यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत है। और ये सामने हमारे यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रखी है, हमारी अपनी गाड़ी यहाँ तक आ रखी है। हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं विनीता राणा सिद्धपीठ कालीमठ से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज आप मेरे को एक नई जगह देख रहे होंगे, यह है सहारनपुर, और मैं आ रही हूँ दुकान के सामान के लिए सहारनपुर। तो यहाँ पे अंकल जी का घर है और वो हमारे यहाँ कालीमठ आते रहते हैं। तो उन्होंने इस बार बोला कि जब सहारनपुर आओगे तो हमारे घर पर ज़रूर आना, हम आपको दुकानें भी अच्छी अच्छी दिखाएँगे जो उनके जानने वाले होंगे, तो थोड़ा सही पड़ेगा। तो हम आज उनके घर पे आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे देखो कितना पूरी जगह इतने सारे फूल लगा रखे हैं। तो आपको मैं अंकल जी का घर दिखाती हूँ अंदर से। अरे अंकल जी का किचन है यहाँ पे देखे, और ये वाला ड्राइंग रूम, और आगे पूजा का मंदिर, और यहाँ पे छोटी छोटी चिड़िया भी हैं। और इनका घोंसला यहीं पे अंदर है, इसके अंदर। ये छोटी बहन हमारे लिए नाश्ता बना रही है, इससे ऊपर जा रहे हैं। से देखो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है सामने का, और मौसम भी आजकल बहुत सही है। और सामने अंगूर की बेल है, और इसके सामने है आम का पेड़, और नीचे ये गार्डन दिख रहा है, बिल्कुल ही ग्रीन ग्रीन गार्डन खूबसूरत बना रखा है। हमारा पहाड़ उत्तराखंड बहुत सुंदर है, पर यहाँ भी बहुत सुंदर है। जैसे हम अपने वीडियो में बोलते हैं हमारा उत्तराखंड, और बहुत सारे बाहर के लोग आके बोलते हैं हमको आपका उत्तराखंड बहुत अच्छा लगता है, तो हमें भी अपना उत्तराखंड अच्छा लगता है। पर मुझे यहाँ भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जैसे मेरे को कुंड से नीचे, रुद्रप्रयाग से नीचे बिल्कुल भी जैसे मैं आती तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और मैं जब कल आई तो मैंने उल्टी की दवाई खा रखी थी, मेरे को बहुत उल्टी होती है, तो मेरे को पता ही नहीं चला मैं सहारनपुर कब पहुंची। घर से निकले हम 4 बजे और यहाँ हम 11 बजे तक सहारनपुर आ गए थे, और यहाँ अंकल जी के घर पे पहुँचे 1 बजे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और पीछे ना वहाँ पे देखो हंस भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को। और यहाँ से हम अभी नाश्ता करके वहाँ जाएंगे मार्केट, जहाँ हम दुकान के लिए कुछ सामान खरीदेंगे। तो अभी मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, और अभी मैं आपको घर के लोगों से भी मिलाऊँगी। यहाँ पे चिड़िया के लिए घोंसला रखा हुआ है, ये नीम का, मीठे नीम का पेड़ है शायद। तुलसी का,
और ये यहाँ पे कमल खिलेंगे शायद, कमल लगा रखा है। अंकल जी ये कमल का है? अच्छा नहीं, ये पानी में होता है, कीचड़, कीचड़ में। अच्छा कौन सा? अच्छा ये पान की बेल है, ये पुदीना है, पुदीना वो है उधर। अच्छा सब कुछ है हमारे। और ये बांस जैसे डिजाइन अलग है, डिजाइन में और कहो तो ऐसे गुटली गुटली वाला, हमारे यहाँ सीधी डंडी वाला होता है। ये इंसुलिन, ये क्या होता है? शुगर में। अच्छा एक कोई दवाई आती तेरे यहाँ भी? हाँ हमारे यहाँ होता है वो कांटे शुगर वाला की। शुगर की कांटे की। हाँ उसका नाम क्या होता है? किरमोड़ा। अच्छा किरमोड़ा होता है। ये पुदीना। अच्छा ये हाँ वो भी। इसकी पत्तियां खाते हैं? पत्तियां। अच्छा हमारे यहाँ जो होता है वो जड़ खाते हैं, उसकी पीली जड़ होती है। ये क्या है? ये नीम होगी, मीठी नीम। हाँ कड़ी पत्ता। हाँ कड़ी पत्ता वो पीछे नीम है। ये भी होता है तुम्हारे यहाँ? कौन सा ये? हाँ होता है, किसी किसी ने लगाए होंगे, ज्यादा नहीं होते वो। ये हमारा घर अच्छा लगा क्या? हाँ आप मंदिर जा रहे हैं? मंदिर। अच्छा चलना तूने? तो अभी मैं भी अंकल जी के साथ मंदिर जा रही हूँ, तो देख लेते हैं यहाँ पे मंदिर कैसे है। हाँ मंदिर पहुँच गए हैं, अंदर फोटो खींच सकते हैं? हाँ हाँ ये कोई तेरा काली मठ थोड़ी है। जहाँ मर्जी भरत, मेरी दोनों कटोरी और ढक्कन। कृष्णा जी है। हाँ
आ गए हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा, यहाँ के मंदिर के दर्शन भी हो गए हैं और अंकल जी जी की वजह से। तो मैं बाहर आते तो कभी मेरे को अच्छा नहीं लगा, पहली बार मेरे को लाइफ में बाहर आके अच्छा लगा है, अपना घर जैसा माहौल लगा। तो अंकल जी के घर में आज सबका फास्ट है एकादशी का, तो यहाँ पे रोज़ रोटी खिलाते हैं गाय को, तो आज इनका भी फास्ट होगा, इनको भी फ्रूट मिलेंगे। और मुझे भी मंदिर से एक फल मिला है, उसके साथ पता है एक बेलपत्री भी मिली है, ये देखो भगवान भोले का आशीर्वाद। और पहुंच गए हम घर। सच में जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं बोलती हूँ मैं अपने घर कब जाऊँगी, तो इस बार मुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा मैं घर में नहीं हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ अपने घर जैसा माहौल है। आंटी जी भी बहुत अच्छी है। रानी जी भी हैं बहुत अच्छी और इनको परेशान करने आए हम। रानी जी की बहू भी बहुत अच्छी है, इनका सबका फास्ट है और हमारे लिए खाना बना रहे हैं। आपका नहीं है? अच्छा। और यहाँ पे प्रसाद भी मिल गया है, यहाँ पे हो गया है तैयार रेडी। और कल रात का मैंने आपको खाना नहीं दिखाया, इतना ज़्यादा था क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। मजा आ गया गुरु, मजा आ गया। तो अभी चलते हैं बाजार की ओर और सामान खरीदने के लिए, तो मार्केट जा रहे हैं हम और अंकल जी भी आ रहे हैं साथ में। और यहाँ से मिल गया है रिक्शा, अब जा रहे हैं हम 2 किलोमीटर आगे बाजार। बाजार में कहीं वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, जय माता दी। कैसे आप? कैसे तेरे को आ गई याद? तबीयत ठीक है? ये कहाँ से लगे? अभी हम और जो आ रखे थे हमारे घर काली मठ उनके घर पे हैं, और इन्होंने हमको बहुत फोन करके बुलाया। हमारे घर पे बहुत टाइम तो नहीं था, पर आगे ऐसे थोड़ा टाइम निकाल के और खाना उन्होंने खाने पे बुला रखा है हमको। तो यहाँ पे अभी हम खाना रेडी कर रहे हैं। आपको कष्ट दे दिया? कुछ नहीं, परी पनीर चोर, पनीर चोर, पनीर चुराती है। और आपका हृदय? अच्छा, बहुत प्यारा भी चैनल है, और इसका चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करें सब लोग। मेरे चैनल का नाम है लिटिल सारनपुर लिटिल ड्रमर हृदय अरोड़ा। तो मैं इसके चैनल का लिंक अपने इस वीडियो में जरूर डालूंगी नीचे से, ठीक है? तो जितने लोग आपको ये बच्चा प्यारा प्यारा सा क्यूट क्यूट सा थोड़ा एक सब लोग इसका चैनल सब्सक्राइब, बहुत अच्छा ड्रम बजाता है ना। हाँ जी, ऐसा वाला? हाँ जी, मिलता है वहाँ। और ये क्यूटी, इसका नाम है पनीर चोर।
क्या है नाम? कैरेट। सच्ची में है पनीर चोर? क्यों रखा है इसका नाम पनीर चोर? इसके दोस्त बुलाते हैं इसके। अच्छा, अपने भैया के चैनल का नाम बताओ। ड्रमर। ड्रमर। सारनपुर। सारनपुर रिदर रोडर ड्रमर। या तो अभी हमने सारा सामान ले लिया है और अब गाड़ी में जगह नहीं है। खाली प्रसाद पे कनौचे सो तो मैं डब्बा भी चो लू प्रसाद डब्बा, जगह ही नहीं है गाड़ी में। पता नहीं गाड़ी में जगह होगी नहीं होगी, सामान बहुत ज्यादा है। देख के तो मन कर रहा था बहुत कुछ लेना है पर गाड़ी जगह नहीं थी। उस पंप से सीधा जा रहा था, हाईवे पे चढ़ के सीधा जा रहा था। ठीक है, मैंने दो चीज बताई, जहाँ ये छोड़ रहे हैं वहां से उल्टे हाथ मुड़ के 4 किलोमीटर चल के, 3-4 किलोमीटर चल के ट्रांसपोर्ट नगर आएगा। ट्रांसपोर्ट नगर से उल्टे हाथ होना, उल्टे हाथ होने के बाद में चौकी होगी सामने पुलिस चौक, उससे उल्टे हाथ होना और सीधा नाक की सीध में जाना है ना। फिर वही ठीक है, फिर हैं बच्चों को भी लेके आना और ठीक बैठ जा बाद में बनाएंगे। ये देखो ला शाम की हो रही है, 6 बज रही है शाम की और 6 बजे 6:16 भाई, तो शाम के 6:15 हो गया है और हम निकल गए हैं सहारनपुर से ऋषिकेश के लिए। तो अब देखते हैं कितने बजे हम वहाँ पहुँचते हैं। और गजी जी को अभी भी हमारी मदद कर ही रहे हैं, वहाँ पे रास्ता दिखाने के लिए आगे आए चल रहे हैं हमसे। ये देखो अंकल जी अपनी स्कूटी से आगे आगे चल ही रहे हैं, देहरादून दिखा रहे जा रहे हैं। एक बार आंटी जी का पर्स मेरे घर पे छूट गया था, मैंने पीछे से फोन करके बोला आपका पर्स छूट गया, तो उनको उनके दिल में मेरे लिए बहुत जगह बन गई। इतना इतना अच्छा है, मतलब हमारे इतनी सेवा की ना, इतना अच्छा है यहाँ पे। और हम क्या करते हैं, हम तो फ्री में चाय भी नहीं पिलाते हैं, बोल रहे हैं हम भी तुम्हारे यहाँ खाते हैं, पर मैंने कहा हमारे यहाँ तो फ्री में हमें तो चाय भी नहीं पिलाते उनके लिए। और उन्होंने कल परसों से इसकी सेवा कर रहे हैं, पूरा मार्केट अपने गाड़ी से घुमाया, स्कूटर से सामान खरीदा जगह जगह पे। और अभी भी दोनों अंकल जी बहुत अच्छे और लोग भी जहाँ से सामान लिया पहुँचना है ऋषिकेश तक। अच्छा तो ऋषिकेश रात की बज गए हैं 9 और हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश दीदी के घर पे। दीदी हो क्या मुंगरी हो यही